So we started with the methods of preparation of alkynes, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ऑन सोडियम एसिटाइल. ठीक है जी, तो वी कैन टेक एनी एल्काइल हैलाइड. सोडियम एसिटाइलाइड हमने कल बनाया था. ऐसे करके वी फॉर्म सोडियम एसिटाइलाइड. हाउ? एसिटाइलिन की रिएक्शन की थी विद अमाइड, NaNH2 के साथ रिएक्शन की थी, जिसमें हाइड्रोजन जो था वो NH2 के साथ चला गया तो NH2 बन गया और आपका सोडियम जो था वो इसके साथ अटैच हो गया. ठीक है, नाउ व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड व्हाट विल हैपन? जस्ट हैव टू सिंपली इंटरचेंज दीज. ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव हटा के किसके साथ लग जाएगा? NaBr बन जाएगा. ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट, सो वी स्टार्टेड विद हाउ मेनी कार्बन्स? थ्री. तीन कार्बन से स्टार्ट हुए, कितने कार्बन आ गए? चार. ठीक है, नाउ डू द सेम रिएक्शन विद आइडोइथेन. डू द सेम रिएक्शन विद आइडोइथेन. And you done? आइडोइथेन लिखना है, C2H5I करना है बस. यहाँ पे C2H5, यहाँ पे I, इंटरचेंज कर दो बस. क्या बना? नाम बोलो प्रोडक्ट का. पेंट बनेगा. ओके ठीक है, आपने H के साथ किया, नहीं CH3 के साथ किया ना, इसी के साथ किया ना. देखो बेटा, इफ आई एम टेकिंग द सेम मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलाइड तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों यहाँ पे. ठीक है, ये वाला ग्रुप आपने इधर शिफ्ट कर देना है. दिस इज CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड, CH2 एंड CH3, प्लस यू विल बी गेटिंग NaI. ठीक है, तो क्या नाम है इसका, क्या नाम बना? Pent2I. ठीक है, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ वी आर टेकिंग सोडामाइड इन एक्सेस. जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी ना, जिसमें हम सोडियम एसिटाइलाइड प्रिपेयर करते हैं, रिमेम्बर दिस इज एसिटाइलीन. जब मैं इसकी रिएक्शन करती हूँ सोडामाइड के साथ, इफ आई एड द सोडामाइड इन एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस में जब डल जाता है, तो यहाँ पर तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है दे आर एसिटाइलाइड, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन हैं ये दोनों. ठीक है, जैसे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी जो है वो रिमूव हो सकता है. इफ आई एम टेकिंग दिस अमाइड इन एक्सेस तो क्या होगा, दोनों तरफ आपके ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएंगे. ओके राइट, यू विल बी गेटिंग ऑन बोथ साइड दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वेयर द टू सोडियम आयन्स दे विल बी अटैच्ड. ओके क्लियर हो गया. अब यहां पर भी स्टेपिंग अप जो है हम बताएंगे 8. यहां पर अब डबल स्टेपिंग अप हो जाए. इनिशियली हम एक एक या दो दो से साथ जा रहे हैं ना,
इनिशियली हम एक एक या दो दो से जो ऊपर जा रहे थे, बट यहाँ पर हमारे सिंपली जो है वो डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो सोडियम रिप्लेस होने वाले हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सपोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ये डालती हूँ मिथाइल आयोडाइड, तो क्या होगा? हाँ जी बेटा, अब एक मिथाइल जो है वो यहां पर जाएगा, एक मिथाइल जो है वो यहां पर जाएगा, दो सोडियम रिलीज हुए, दो आयोडीन है आपके पास, दैट इज टू NaI। कितने से स्टार्ट हुए थे? दो से। कितने में पहुंच गए? चार से, सीधा डबल हो गई, ठीक है। सो इन दिस वे द रिएक्शन कैन बी प्रोसीड इन केस ऑफ स्टेपिंग अप। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, इन केस ऑफ एल्कीन्स वी डिस्कस्ड अबाउट द जेमिनल एंड द विसिनल पोजीशंस। शुक्र है, हाँ तो कहा कि हाँ डिस्कस की हैं। अब बताओ विसिनल और जेमिनल पोजीशंस होती कौन सी हैं? और जैमिनल में? वेरी गुड, ये पढ़ता है बस। सो इन द विसिनल डेरिवेटिव्स, इफ आई टॉक अबाउट डाई हैलोजन, दो हैलोजन्स लगे हुए हैं, तो डैट विल बी अटैच्ड ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स, डैट आर विसिनल। अगर एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन्स अटैच हैं, डैट आर जैमिनल डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट, बाय द डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ, बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स, बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ डाई हाइड्रो ड्राई हेलो एल्केन्स, हाँ जी रिएक्शन कुछ सुनी सुनी है। क्या नाम है इसका? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मीन्स हेलो, मीन्स हाइड्रो, मीन्स सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद दी विसिनल डेरिवेटिव्स। These are the vicinal derivatives. Karo start. Reaction, it will proceed in the presence of KOH. And remove your byproducts should be KBr and water. इस तरह आपने रिमूव करने हैं और मुझे प्रोडक्ट बताओ। डाई हेलो एल्केन्स है ना, दो हेलोजन्स हैं एल्केन के साथ लगे हुए हैं। ओके गिव मी द आंसर बेटा। डन कि नहीं? एक हैलोजन रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, इतना टाइम क्या सोच रहे हो? सिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्केन है कि नहीं? इसमें तो हमने सिमेट्री देखनी नहीं है, अभी अभी तो कोई रीजन ही नहीं है सिमेट्री का। जिस मर्जी में से हाइड्रोजन निकाल दो, जिस मर्जी में से ब्रोमीन निकाल दो। हाँ जी देखो। अगर मैंने यहां से ब्रोमीन निकाल दी है, इट विल बी CH2, हेयर वी विल बी हैविंग डबल बॉन्ड, हेयर आई विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, क्या नहीं? वहां से ब्रोमीन, वहां से हाइड्रोजन निकाल दिए, यहां से ब्रोमीन निकाल दिए। अभी हमारे पास अभी भी एल्काइन्स नहीं बने हैं, एल्कीन्स पे पहुंचे हैं, तो दैट मींस वी विल बी डूइंग अगेन दिस रिएक्शन।
अगेन आई विल बी एडिंग KOH और इसमें से KBr माइनस करूंगी और देन आई विल बी रिमूविंग वाटर आल्सो। सेम रिएक्शन करो, अब Br एक से निकाल दो, एक से हाइड्रोजन निकाल दो, अब तो वेरी क्लियर है ये। None? Clear? अब ये vicinal derivative हो गया, let's start with the germinal derivative now. Germinal derivative कुछ कैसा लगेगा आपको, like this? कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं, जहां पर एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है? अब सेम रिएक्शन प्रोसीड करवाओ इस पे, सेम रिएक्शन। अब पहले इसमें से एक बीआर निकालो, इसमें से हाइड्रोजन निकालो, फिर दूसरे टाइम फिर ये दूसरा बीआर निकालो, इसमें से हाइड्रोजन निकालो, सेम रिएक्शन विल प्रोसीड। डन हो गई, जरूरत तो नहीं है लिखने की, हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स, बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स। अब देखो सेम यही मैंने चीज ली है, कितने एल्केन्स लिख दिए बेटा, अब मैं सिर्फ क्या कर रही हूं, डी डी हैलोजिनेशन, किसकी हैलोजिनेशन कर रहे हैं या किस में रिमूवल कर रहे हैं, टेट्रा एल्केन्स में, यानी कि इसमें हमारे पास कितने एल्काइल ग्रुप्स होंगे, कितने हैलोजन ग्रुप्स होंगे, टेट्रा फोर। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिथेनॉल, ठीक है, करो रिएक्शन बेटा। अब आपने इसमें से व्हाट यू हैव टू रिमूव, Zn Br2 यू हैव टू रिमूव, ठीक है, पहले Zn Br2 रिमूव करो, टू टाइम्स Zn Br2, यानी कि सारे के सारे ब्रोमीन आपने निकाल देने। अब देखो ये ब्रोमीन निकलेगा, ये अपना बॉन्ड यहां पे देखे जाएगा, अगर ये ऐसे ही निकला है तो ये वाला बॉन्ड लेके जाएगा, सेम इसके साथ करते हैं, ये वाला जो है वो बॉन्ड देके जाएगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ये भी शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया, विद टू, क्लियर है, इज इट क्लियर, ये ब्रोमीन निकला, इसने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, ये अपना बॉन्ड लेके गया, तो एक Br2 निकल गया, यहाँ पे भी सेम किया, ठीक है, तो चारों के चारों ब्रोमीन निकल गए और साथ में जिंक जो है वो रिमूव, इज दैट क्लियर। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन, बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स, बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स, हेलोफॉर्म्स जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोफॉर्म की, ठीक है, हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेलोफॉर्म्स, ये आप आगे पढ़ोगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3, ये हमने प्रिपेयर किया था जब हम
CH4 में क्या ऐड कर रहे थे, हैलोजन या कोई भी, ठीक है, ब्रोमीन, CCl4 बनाया था ना, उससे पहले एक स्टेज आई थी CHCl3 वाली, ठीक है, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म हो जाता है अगर मैं आयोडीन लिया मैंने, CHCl3, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाना था, ठीक है, ऐसे ही मैंने Cl की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया है, आई लगा दिया है, ठीक है, दैट इज आयोडोफॉर्म नाउ, और इन जनरल हम इनको क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म्स, इन जनरल हम इनको क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है जी, बने कहां से ये पता चल गया, ओके, चलिए अब हमने क्या करना है, यहां से अगेन जो आपने ऊपर किया वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ब्रोमीन रिमूव किए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे आयोडीन रिमूव कर रहे हैं, एंड इट विल लीड टू अ सिंपली, कितने बॉन्ड्स आ जाएंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल, चार ब्रोमीन गए तो डबल बॉन्ड देके गए, छह आयोडीन जाएंगे तो कितने बॉन्ड देके जाएंगे, थ्री, तो सीधा डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड लगा, क्लियर हुआ, यहाँ पे आपने फोर ब्रोमीन रिमूव किए हैं और उन फोर ब्रोमीन से आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे आप कितने रिमूव कर रहे हो, तीन ये हैं और तीन ये हैं, सिक्स रिमूव कर रहे हो तो सिक्स कितने बॉन्ड्स देके जाएंगे आपको, थ्री, तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड एस्टैब्लिश, ऊपर ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, ऊपर पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड था इनके बीच में, दे वर अटैच्ड विद द सिंगल, ठीक है, यहां पर बॉन्ड नहीं है ना अभी, कार्बन कार्बन के बीच में, वो वाले कार्बन के बीच में, नेक्स्ट राइट डाउन, कॉल्स रिएक्शन, नेक्स्ट राइट डाउन, कॉल्स रिएक्शन, अब ये देख लो, कॉल्स रिएक्शन एल्केन्स में भी की है आपने, कॉल्स रिएक्शन एल्कीन्स में भी की है और कॉल्स रिएक्शन एल्काइन्स में भी आई, ठीक है, अब एल्काइन्स वाली आपने करनी है, मैंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट बताना है आपको, हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं बेटा, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, इफ यू रिमेम्बर इन केस ऑफ एल्केन्स वी स्टार्टेड विद सक्सीनिक एसिड, याद है, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ सक्सीनिक एसिड, अब ये स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, एल्कीन्स में हम सक्सीनिक एसिड से स्टार्ट हुए थे, ओके, तो उसमें मैंने क्या किया था, एक एक स्ट्रक्चर जो था वो रिमूव कर दिया, ओके, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, अब देखो आ गया, ठीक है, अब यही जो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है हमने लेना है, एंड दैट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, टू फॉर्म्स, ये सिस फॉर्म जो होती है वो मैलिक एसिड होता है, सिस फॉर्म है ना ये, इज दिस द सिस फॉर्म, दिस इज मैलिक एसिड, इसी की ही अगर मैं ट्रांस फॉर्म बना देती हूँ, इसी की ही अगर मैं ट्रांस फॉर्म बना देती हूँ, देन द ट्रांस फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्यूमेरिक एसिड, ट्रांस फॉर्म इज नोन एज ट्यूमेरिक एसिड, ठीक है जी, तो हम इसमें से कुछ भी ले लेते हैं, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रक्चर का तो मेन है नहीं, राइट, सो आइदर यू कैन टेक मैलिक एसिड और आइदर यू कैन टेक फ्यूमेरिक एसिड, तो हमने उनके ले लेने हैं पोटाशियम सॉल्ट्स, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड,
ठीक है बेटा, हमने इनके ले लेने हैं पोटेशियम सॉल्ट, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फिर ये डिफर करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला तक तो दोनों सेम ही है हमारे लिए, दोनों में COH ग्रुप आ रहा है, दोनों में H आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हम करेंगे आयनाइजेशन। हाँ जी बेटा, क्या बनेगा आयनाइजेशन में? दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग द कॉल्स रिएक्शन नाउ। के अलग हो जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग CH डबल बॉन्ड हेयर, CH COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वाटर की आयनाइजेशन करेंगे। How water will ionize? H positive and which will be released at anode? अब नहीं भूलना चाहिए, तो तीसरी बारी रिएक्शन कर रहे हैं। एनोड पे कौन रिलीज होगा? एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कौन सा वाला जाएगा उसके पास? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटो? इसके बाद थोड़ी सी लाज रख लेनी थी इस रिएक्शन की, बेचारी तीसरी बारी रिपीट हो रही है और आपको ये तीसरी बारी भी नहीं याद है। हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएंगे? हमें हमें एसिटाइलीन में हाइड्रोजन नहीं चाहिए, एल्काइन में हाइड्रोजन नहीं चाहिए, फिर क्या रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से? तो कार्बन डाइऑक्साइड पे रिमूव करने से पहले चार्ज नहीं रिमूव करेंगे? So that is unstable. In the next step, we will be removing two molecules of carbon dioxide and you will be getting a triple bond. Ab aur kya reh gaya? That will be released at cathode bhi release honge. जो H पॉजिटिव है उन्होंने यही दो इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना देना है? H और वो K और ये OH, दैट विल बी फॉर्म KOH। ठीक है जी, क्लियर? So with this method of preparation of alkynes, they are complete. Now write down physical properties. Physical properties. Physical state, सबसे पहले। हाँ जी बताओ बेटा, फिजिकल स्टेट पहले गैसेस होंगे, फिर जैसे जैसे कार्बन डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे दे विल बी द लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन स्मेल। एक्सेप्ट एसिटाइलीन दे ऑल आर कलरलेस, orderless, not colorless, they all are orderless. But acetylene की कैसी smell होती है? Garlic smell होती है, due to the presence of दो impurities बताई थी मैंने, कौन कौन सी थी?
कल बताई थी दो इम्प्योरिटी, एक हाइड्रोजन सल्फाइड थी और एक फॉस्फीन थी, ठीक है। तो फॉस्फीन की इम्प्योरिटी होने के कारण इसकी गार्लिक लाइक स्मेल है, लहसुन जैसी होती है ना, उस तरह की स्मेल होती है। नेक्स्ट राइट डाउन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हम दोनों इकट्ठे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे आर हैविंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर हाई। नाउ व्हाट कैन बी द रीजन? बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं? तूने तो अभी डाउट क्लियर किया, बताओ फिर अब बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं? और अभी पूछा था वेंडर वॉल फोर्स, ठीक है। वी सी द सरफेस एरिया एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ट्रिपल बॉन्ड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी बिकॉज दे आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एंड अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना है तो मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में हम क्या देखते हैं? उसकी पैकेजिंग देखते हैं, कॉम्पैक्ट पैकिंग है कि नहीं। अब ये तो बेचारा इतना सा मॉलिक्यूल है तो कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ओके। सो एज कंपेयर टू एल्कीन्स एंड एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स और एल्कीन्स के साथ अगर मैं एल्काइन्स को कंपेयर करूं तो एल्काइन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है, ठीक है, एल्केन से भी और एल्कीन्स से भी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन सॉल्युबिलिटी। मेरी फेवरेट लाइन, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। डेंसिटी, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी? जैसे जैसे क्या बढ़ेगी? मोलर मास, ठीक है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ओके। पोलर नॉन पोलर कैसे पता चलता है? अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आ जाते हैं तो वो पोलर है, अगर नहीं आते हैं तो वो नॉन पोलर है। कार्बन है ना, अब इसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, इसमें तो सारे कार्बन लगे हुए हैं, तो सारे कार्बन तो है ही पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव वाला तो कोई भी नहीं लगा हुआ इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, हाँ जी बेटा, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? What type of reactions they will be showing? Electrophilic, nucleophilic addition, substitution, elimination. Electrophilic or nucleophilic? अभी भी सोचने की जरूरत है आपको, हैं? इतना बड़ा बड़ा बोला है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको देखने के बाद भी सोचने की जरूरत है अभी आपको कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? रमन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास नहीं होगा वही आके अटैक करेगा, ओके। एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ठीक है। तो सेम जैसे हमने एल्कीन्स की हैं, वैसे ही आएंगी, सो दे विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वी विल स्टार्ट इट नेक्स्ट टाइम नाउ।